हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी का रिजल्ट आया, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 का। और उसके रिजल्ट्स के बाद आप सभी के मन में एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन जगा होगा परीक्षा परिणाम देख करके। काफी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ वो काफी खुश, और उनके उसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी उनकी एकाग्रता, उनकी उनका डिटर्मिनेशन कार्य, उनका उनकी जो स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी जो उन्होंने की थी, वो वर्क उसने वर्क किया। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं हो पाए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। आप सभी का एग्जाम शेड्यूल है 19th ऑफ जून को। 19 जून को शेड्यूल एमबीपीएससी प्री का एग्जाम शेड्यूल है, जो इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया का पहला चरण है। और एग्जाम की प्रक्रिया का पहला चरण लेकिन महत्वपूर्ण चरण है। और आप होपफुली आप सभी पूरी तरह से फोकस्ड होंगे, पूरी तरह से डिटरमाइंड होंगे, तन मन धन से उस पर्टिकुलर एग्जाम को अचीव करने के लिए लगे होंगे। एक फोकस के ऊपर, यानी कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर 19 जून के बीच, यानी कि जो हमारे बीच जो समय है, किस प्रकार से हम फोकस करें, उसके संबंध में एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैंने कभी उस स्टोरी को कहीं से सुनी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। स्टोरी है आपके ध्यान की, जो मेडिटेशन होता है, शब्द आपने सुना होगा मेडिटेशन, ध्यान करना, उसके संबंध में कहा जाता है। मैंने जो सुना था वही स्टोरी, सेम स्टोरी सुना रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति था और वो मेडिटेशन के संबंध में काफी बातें किया करता था। बातें ही साथ ही साथ इधर उधर उसके जो जानने वाले थे यही जानते थे कि ये ध्यान में माहिर है, यानी कि ध्यान पे लगाने में, और मेडिटेशन रेगुलर वे में करता है। और वो व्यक्ति एक दिन जो मेडिटेशन के लिए फेमस था, उसने सोचा कि एक मैं एक सुनसान जगह पर जाता हूँ जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, और उस पर्टिकुलर स्थान पर मैं जाता हूँ और वहां पर मैं ध्यान करूंगा। उसने पूरा मन बनाया, गया, ऐसी जगह ढूंढा जहां पर सुनसान, दूर 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 तक उसे कहीं पर भी पार्किंग एरियाज में गया, हिली एरियाज में गया, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा ये सबसे बेहतर स्थान है और वो वहां पर बैठ गया। जैसे ही बैठा और ध्यान को में, यानी कि आंख बंद करके ध्यान लगाने के लिए बैठा, एक महिला कहीं से इधर उधर से व्याकुल, विरह में व्याकुल, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा हो कि जैसे वो प्रेयसी अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए वहां पर आ गई हो। वो महिला जो है प्रेमी को ढूंढते हुए अपनी आ रही थी, और वो जो व्यक्ति जहां पर बैठा था, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास तक वो महिला आकर के पहुंच गई। और वो व्यक्ति जो ध्यान में बैठा हुआ था, वो इस बात को एहसास कर रहा था कि वो महिला मेरे पास आ रही है या और वो महिला मेरे पास से गुजर गई, लेकिन वो जो महिला है उसको कुछ भी नहीं पता चला कि यहाँ पर कोई बैठा भी है। वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी, प्रेमी बस उसे एक ही चाहती कि मुझे मेरा प्रेमी जो है कहीं पर मिल जाए। जैसे आप उस विरह की व्याकुलता को आप समझ सकते हैं, जहां पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके उसका जो है प्रेमी वहां पर उसको दिख रहा है। कुछ मिनटों के बाद वो जब व्यक्ति वहां से उठता है, ध्यान से आंखें बंद थी तब भी उसकी, और जब व्यक्ति उठता है तो उस महिला को देखता है और उससे पूछता है कि आपने जो है आपने मैं ध्यान कर रहा था, मैं ध्यान पे बैठा था, आप मेरे बाजू से गुजरी, बगल से गुजरी हैं। तो उस महिला ने कहा मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर भी कोई है, क्योंकि मैं तो अपने प्रेमी को जो है विरह में व्याकुल हूं, मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी। लेकिन उस पुरुष, आप यहाँ पर वो जो पुरुष बैठा था, आप समझिएगा इस बात को कि कौन अपने लक्ष्य के लिए, कौन अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए उस महिला और पुरुष में, यानी कि उस प्रेम उस पर्टिकुलर पुरुष और वो जो प्रेयसी है वहां पर, इन दोनों में कौन अपने लक्ष्य के लिए फोकस था। तो शायद आपको पता चलेगा कि वो जो प्रेयसी है वो अपने लक्ष्य के लिए वो फोकस थी, यानी कि मेडिटेशन करने जो व्यक्ति बैठा है वो भी वो असली ध्यान नहीं था। वो महिला जो अपने लक्ष्य को, सिर्फ उसे लक्ष्य दिख रहा था, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, आप सभी उस पर्टिकुलर कहानी को जानते होंगे। वैसे ही आप सभी की सफलता के लिए, यदि आप इस बार नंबर 1 टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, आप एमपीपीएससी के उस सूची में आना चाहते हैं, प्रवीणता सूची में आना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को आगे ले जाएगी, तो उसके लिए वो लक्ष्य आपको चाहिए, वो अर्जुन की आंख दिखनी चाहिए, वो उस जो विरह में व्याकुल महिला थी जिस प्रकार से अपने लक्ष्य को, अपने प्रेमी के प्रेमी को ढूंढ रही थी, वो लक्ष्य आपको दिखाई देना चाहिए। तन मन धन से एक डेडिकेशन के साथ
आपको आगे बढ़ने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आप सभी को की जानकारी के लिए बता दूं, इस पर्टिकुलर आपकी तैयारी में, इस पर्टिकुलर आपके इस डिटर्मिनेशन में मैं और मेरे साथ अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स आपकी सफलता को और मजबूती प्रदान करने के लिए मल्टीपल बैचेज हम लोग एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं। और ये बैच जो है 1 जून से स्टार्ट होगा, तो आप सभी इसका इसमें इनरोल कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए बता दूं कि ये 31 मई प्राइस जो है अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज है या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज बढ़ने वाली है, तो आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन वर्तमान कीमतों पर सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद प्राइजेज बढ़ जाएंगे। तो ये रेफरल कोड है PANDEY, रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ एक बेहतर दिशा में आपकी संपूर्ण तैयारी भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि क्रैश कोर्स बैच भी 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स जो आपकी सफलता को इन पर्टिकुलर 18 दिनों में संपूर्ण तैयारी को सुनिश्चित करवाने का प्रयास करेगा मेरे साथ अन्य एजुकेटर्स। इसके साथ साथ अन्य बैचेज भी, जहां पर फाउंडेशन बैच है, इसके साथ साथ शॉर्ट बैच है, क्रैश कोर्स बैच है, रिवीजन बैच कोर्स है, मल्टीपल बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। बहुत ही किफायती डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन अनअकैडमी के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान कीमतों पर अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको प्राइसेज ज्यादा लगेंगी। तो अभी वर्तमान कीमतें जो है कीमतों पर सब्सक्रिप्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो रेफरल कोड याद रखिएगा PANDEY, जिसके माध्यम से आप इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।